नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा में आज बात उस बदले की जिसे लेने के लिए पुतिन बेचैन हैं। पुतिन कीव पर बड़ा हमला कर सकते हैं क्योंकि जेलेंस्की ने पुतिन के सबसे खास इलाके क्राइमिया पर बड़ी तबाही मचाई है और ये सब ऐसे वक्त पर हुआ जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर है और जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर पहुंचे हैं। जिस वक्त शी जिनपिंग मॉस्को में पुतिन के साथ बैठकर यूक्रेन पर चर्चा कर रहे थे तब बखमूत में अपनी फौज को मरता देख जेलेंस्की ने बटन दबा दिया और फिर यूक्रेन में ड्रोन अटैक शुरू हो गया। जेलेंस्की ने अपने आत्मघाती ड्रोन क्राइमिया की तरफ लॉन्च कर दिए। जेलेंस्की का टारगेट बना पुतिन का मिसाइल गोदाम जहां से पुतिन की कैलिब्र मिसाइल रूस की ब्लैक सी फ्लीट को ट्रांसपोर्ट की जानी थी। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में मौजूद है। ये हमला ऐसे माहौल में हुआ जब कहा जा रहा है कि चीन बातचीत के जरिए ये युद्ध रुकवा देगा। ये हमला बताता है कि जेलेंस्की ने सुलह की सभी कोशिश को नकार दिया है। ये हमला बताता है कि जेलेंस्की नहीं चाहते कि शी जिनपिंग युद्ध खत्म कराने के लिए उनका पुतिन से समझौता कराएं। बखमूत समेत डोनेस्क के कई मोर्चों पर मुक्की खा चुके जेलेंस्की इस वक्त बहुत तनाव में हैं। उन्होंने क्या किया इसे बहुत गौर से समझिएगा क्योंकि इसके पीछे आपको सिर्फ जेलेंस्की का नहीं बल्कि बाइडेन का ब्रेन भी नजर आएगा। कीव का दौरा करने के बाद बाइडेन ही यूक्रेन के बड़े फैसले कर रहे हैं। बाइडेन जो कह रहे हैं वो जेलेंस्की खुशी खुशी करने को तैयार है। देखा जाए तो बाइडेन ने जेलेंस्की के कंधे का इस्तेमाल पहले पुतिन को टारगेट करने के लिए किया और अब बाइडेन यही स्ट्रेटेजी शी जिनपिंग के सुपर पावर बनने वाले ख्वाब को ध्वस्त करने के लिए कर रहे हैं और इसलिए जेलेंस्की क्राइमिया अटैक के स्क्रिप्ट से लेकर डायरेक्शन तक हर काम बाइडेन की शह पर हो रहा है। Звичайно, постійно перебуваю на зв'язку із нашими військовими, з командувачами. Усе, що ми робимо, усе, що робить держава, підпорядковано одному завданню – дати кожному нашому воїну більше можливостей битися, дати кожному нашому місту більше. Зеленський ке дрон атак ка таргет Путін ки нак каха жане вала Краймія бана хай. Путін ки Black Sea Fleet Краймія ме хі тайнат хай. और यहीं से पुतिन अपने काला सागर वाले ऑपरेशन अंजाम देते हैं। यहां तैनात जहाज कैलिब्र मिसाइल से लोड किए जाते हैं और उसके बाद ये वॉरशिप यूक्रेन पर मौत की बारिश करते हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने हमले में पुतिन की बहुत सी कैलिब्र मिसाइल तबाह कर दी है और इसे रूस के लिए बहुत बड़ा झटका बताया है। यह हमला क्राइमिया की जेंकोई सिटी पर हुआ जहां रूस की कैलिब्र क्रूज मिसाइल रखी गई थी और उन्हें ब्लैक सी फ्लीट यानी नौसेना के सेवास्तोपोल बंदरगाह ले जाया जा रहा था जो इस लोकेशन से करीब 150 किलोमीटर दूर है। जेलेंस्की ने टारगेट बहुत सोच समझ कर चुना। सेवास्तोपोल में ही पुतिन की कई पनडुब्बियां तैनात हैं और इन्हीं पनडुब्बियों पर ये मिसाइल लोड की जानी थी। जेलेंस्की को मालूम है कि इन मिसाइलों के ठिकाने पर हमला करके वो पुतिन की सप्लाई लाइन को काट सकते हैं। कैलिब्र जेलेंस्की के निशाने पर इसलिए है क्योंकि लंबी दूरी की ये मिसाइल पुतिन का सबसे खास हिटमैन मानी जाती है। इन मिसाइलों के जरिए पुतिन ने यूक्रेन में जहां चाहा वहां हमला किया है। ये मिसाइल जमीन से भी दागी गई, ये मिसाइल समंदर से भी दागी गई और ऐसी ही क्रूज मिसाइल विमान से भी लॉन्च की गई। लेकिन जेलेंस्की ने इस बार क्राइमिया को खास तौर से चुना क्योंकि क्राइमिया ही रूस के काला सागर वाले ऑपरेशंस का एपिसेंटर बना हुआ है। देखिए जब रूस की पनडुब्बी कैलिब्र मिसाइल लॉन्च करती है तो तस्वीरें देखकर कैसे
यूक्रेन के दिल में दहशत बैठ जाती है। एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च होती है, किसी का टारगेट कीव होता है, किसी का टारगेट खार्किव होता है, किसी का टारगेट बखमूत तो किसी का टारगेट ओडेसा होता है। ऐसे हमलों में बहुत से लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन का पूरा बिजली घर और उसका नेटवर्क इसी मिसाइल के जरिए तबाह किया गया है। Треба постійно посилювати тиск за терор, тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску. Путін із вакт багат актив. Ші Джинпінг ке дорі з пехле, ву 18 марч ку Краймія гай ті. 2014 ме Рус не іс ілаке ко Юкрейн се каат кар, апне ме мила лія та. और पुतिन इसके 9 साल पूरा होने पर पहले क्राइमिया गए और फिर उन्होंने मारियोपोल का भी दौरा किया। ये पुतिन की तरफ से जेलेंस्की और बाइडेन को एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। कैलिब्र 1500 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समंदर से भी इसे दागा जा सकता है। यही वजह है कि जेलेंस्की इस मिसाइल से काफी परेशान रहे हैं। इसलिए जब भी जेलेंस्की ने जवाब देने के लिए पुतिन के हाई प्रोफाइल ठिकानों को टारगेट किया है, पुतिन का गुस्सा 10 गुना तबाही के साथ फूटा है। यही वजह है कि अब पुतिन वक्त ना गवाते हुए यूक्रेन पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। ये जेलेंस्की को भी मालूम है। ऐसे में क्या हो सकता है वो देख लीजिए। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, ऐसे ही कई हमले अब यूक्रेन पर लगातार हो सकते हैं, जिनके टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर होंगे और इसमें जेलेंस्की का बंकर भी हो सकता है। जब जब पुतिन का गुस्सा जेलेंस्की पर फूटा है, उसमें दो बड़े हथियारों की भूमिका रही है। इनसे जेलेंस्की भी बहुत घबराते हैं। पुतिन के दो सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए, पहली है कैलिब्र मिसाइल और दूसरा है शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन। इन दोनों ने जेलेंस्की को बड़े बड़े झटके दिए हैं। इसलिए क्राइमिया में हुए ताजे हमले के बाद इन हथियारों को तैयार कर लिया गया होगा, इसमें कोई शक नहीं। जेलेंस्की को अगले 24 घंटे बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि पुतिन जब कैलिब्र मिसाइल लॉन्च करते हैं तो काला सागर में कुछ ऐसी हलचल होती है। मिसाइल लॉन्च होते देखते रहिए, पुतिन की दहशत समझते रहिए, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों में जेलेंस्की का डर छिपा हुआ है। जेलेंस्की के इसी डर का इस्तेमाल शी जिनपिंग करना चाहते हैं। लिंगो 这样一个定位决定了呢，我们彼此之间啊，有着非常密切。Xi Jinping 是 Milker Putin 比较 ज्यादा जोश में है, और इसी जोश में उन्होंने अपना परमाणु बॉम्बर जापान सागर में टहलने के लिए भेज दिया है। ये रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर TU-95 है, जो जापान सागर पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। जापान और रूस के संबंध भी तनाव भरे रहे हैं, और अब अमेरिका के लगातार दखल के बाद पुतिन भी प्रशांत महासागर में अपनी ताकत लगातार दिखा रहे हैं। रूस का परमाणु बॉम्बर TU-95 बहुत खतरनाक जहाज है, और इससे जितना नेटो घबराता है उतनी ही दहशत जापान में भी रहती है। पुतिन ने जापान सागर के ऊपर ऐसे दो बॉम्बर उड़ाकर अमेरिका और जापान दोनों को एक खतरनाक संदेश देने की कोशिश की है। जब ये बॉम्बर आसमान में थे, तब इनको Sukhoi-30 और Sukhoi-35 फाइटर्स एस्कॉर्ट कर रहे थे। यही तस्वीरें वजह है कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भारत की यात्रा के बाद यूक्रेन का रुख किया है। इसलिए यूक्रेन युद्ध के लिहाज से ये दिन काफी चर्चा में है, क्योंकि एक तरफ जब शी जिनपिंग रूस में पुतिन से मिले, तब दूसरी तरफ जेलेंस्की से मिलने जापान के प्रधानमंत्री का आना काफी अहम बात है, क्योंकि जापान चीन का विरोधी देश माना जाता है।